टारगेट एनटीपीसी का ये दिन दूसरा है जिसमें कि आज हम लोग 40 से ज़्यादा जो है वह क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोए लाचला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना जो है वह चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू एंड कश्मीर में है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। इसमें औषधीय पौधे जो हैं वह रखे गए हैं इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन में। कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद शहर जो है वह विख्यात है। वहीं एक स्थान आता है नेपानगर। नेपानगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है, भुवनेश्वर के करीब जो है। ये डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं, डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं इसमें कि ये एक ट्रायंगल बौद्ध का स्थल है, भगवान बुद्ध के द्वारा ये जो है वो स्थल है, तो ये भुवनेश्वर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनेत्री और बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार महाराजा अग्रसेन पुरस्कार है। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस जो है वह जोधपुर में स्थित है। आपको बता दें कि जोधपुर का किला जो है वह भारत का सबसे बड़ा किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक नाम है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता का एक भौगोलिक नाम है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद का पुराना नाम जो है वह प्रयागराज है। वर्तमान में 1575 में जो है वह पहले प्रयागराज था, बाद में इसे बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में फिर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो इसका नाम केवला देव घाना राष्ट्रीय पार्क है। यह एक पक्षी अभयारण्य है जो कि भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से अब केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य से जाना जाता है। यह राजस्थान में है। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़ के किला में ही महाराणा कुंभा के द्वारा जो है वह विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी, और इसी में जो है वह महाराणा प्रताप भी हुए थे। तो चित्तौड़ का किला। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कठपुतली राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सिकंदराबाद और हैदराबाद शहर किस झील से जुड़े हुए हैं? तो यह हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह एक शीत जलप्रपात है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो है वह पर्वत पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? तो भटकल बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है, और मिजोरम की राजधानी जो है वह आइजोल है। वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और मणिपुर की राजधानी जो है
वह इम्फाल है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें क्योंकि तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जिसकी स्थापना किसने की? तो उदयीन के द्वारा जो है वह इसकी स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नगर पालिका पहली यह चेन्नई में बनाई गई थी। सहरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सहरिया आपको किस राज्य का है? तो यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक से ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहली पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह चेन्नई राज्य में स्थित है। भारत में काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल का स्थान आता है। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो तीर्थ स्थल अमरनाथ जो है, अमरनाथ की गुफा है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लोसुंग त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसुंग त्योहार जो है वह सिक्किम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली राज्य में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में स्थित है। यह भगवान बुद्ध का जो है वह समाधि, उनकी अस्थि जो है वह एक रखी गई है, विश्व शांति स्तूप के नाम से वो जाना जाता है। बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश यूपी में यह स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्मा गांव बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है? मर्मा गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, यह गोवा राज्य में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जो है वह भेजे जाते हैं। हमारी एक वीडियो है लोकसभा पर, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे वह वीडियो मिल जाएगा, वह वीडियो जरूर देखिए। उसमें जमानत जब्त होना कैसे होता है वह भी बतलाया गया, साथ में लोकसभा सीट के बारे में और प्रोसेस के बारे में बताया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है वह 11 है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, जो कि दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आता है। देखते हैं नेक्स्ट। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल चार मीनार जो है वह हैदराबाद में स्थित है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। झारखंड के जादूगोड़ा में जो है वह यूरेनियम का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह सबसे अधिक नागालैंड में है और नागालैंड की राजधानी जो है वह कोहिमा है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद है।